सभी को लिया ना तो भाई जी जी ठीक है सर। कितना किलो हो गया अभी? 900 किलो अभी आपको नौ, बाकी फिर बेसमेंट का भी आपको मतलब ऊपर वाले खड़े देसी ना इतना बड़ा तो बना ही एक साल में होगा, बनने में एक साल लगेगा है ना, डेढ़ साल लगेगा बनने। चलो जो मैं कहाँ गया अच्छा जा रहा है माल बाहर बनबुलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलीथीन जो है इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरमेंट के लिए, सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकें, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर बहुत सजग रहते हैं और समय समय पर जब समीक्षाएं होती हैं तो उसको बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं, उसकी डेथ्स हो जाती हैं। हाईकोर्ट तो इसमें बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे गोदाम ऑपरेट हो रहा है, इस बीच डायरेक्शंस जीएसटी को भी हुए थे कि वो रस्ते में जिन गाड़ियों से माल आ रहा है उनको चेक करें, हर महीने 3-4 लाख के फाइंस वहां से भी हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा है। उधम सिंह नगर में इससे पहले 5-6 फैक्ट्रीज को भी सीज किया गया जो इनका उत्पादन कर रहे थे, लेकिन आज पाया गया कि यहाँ पे और इस तरह का उत्पादन जो उधम सिंह नगर की कुछ फैक्ट्रीज से आ रहा है वो यहाँ पे प्रतिबंधित था और यहाँ पे मिला, इन सबको सील किया गया। इस गोदाम को भी अभी सारे सामान को नगर निगम जब्त कर लेगी, जो फाइन है वो इस पर लगाया जाएगा। और आप लोग के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ सभी को कि ये हम सबकी भलाई में है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हम उपयोग ना करें, कैरी बैग्स का उपयोग ना करें, झोला लेके चलें और आपकी जो हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति उसको निभाएं।